हेलो एवरीवन, यदि आपके प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बन रही हैं तो सूखकर गिर जाती हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है और वेजिटेबल प्लांट में भी फ्रूटिंग नहीं हो रही है, छोटे छोटे फल बनकर गिर जाते हैं या फ्लावर ही सूखकर गिर जाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये एकदम फ्री में तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसे कैसे तैयार करना है। तो ये है फ्रेंड्स, मटर के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए, अभी ठंड में मटर बहुत आ रही है और हमारे घरों में इसके कई व्यंजन बनाए जा रहे हैं, जैसे आलू मटर की सब्ज़ी, मटर पनीर, मटर की कचौड़ी, मटर पुलाव, समोसे, चीले और भी बहुत से व्यंजन बनाए जाते हैं और इन छिलकों को हम फेंक देते हैं। पर अब आप इन छिलकों को मत फेंकिए, इससे हम अपने प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इन छिलकों में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, तो ये छिलके हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे खाद हमको कैसे तैयार करना है। तो फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, एक कोई सा भी आप कंटेनर ले लीजिए और उसमें ये छिलके डाल दीजिए। इस तरीके से सारे छिलके आप उसमें भर दीजिए। जितने छिलके हैं उस हिसाब से आप छोटा बड़ा कंटेनर ले लीजिए। बस अब इसमें पानी डाल देंगे, पर पानी और मटर के छिलकों का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि 250 ग्राम छिलके में आप 1 लीटर ही पानी डालें। पानी आप इतना डालें कि छिलके अच्छे से डूब जाएं, बस। और 3 से 4 इंच का भाग आपको खाली रखना है ताकि जो भी गैस वगैरह रिलीज हो तो उसके लिए स्पेस मिल जाए। बस अब इसमें डालना है ये इतना सा गुड़। आप देख लीजिए, अंदाज से आप इतना डाल दीजिए। गुड़ में एक तो आयरन भी होता है और दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो इसे जल्दी डिकम्पोज कर देंगे। बस अब इसका ढक्कन लगाकर इसको किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। 10 से 15 दिन में ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसे तैयार हुए 15 दिन हो गए हैं। ये मैंने पहले से प्रिपेयर किया था, इसे छान लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। बस अब ये जो छिलके बचे हैं इन्हें भी फेंकेंगे नहीं, इन्हें सुखा लेंगे तो ये मल्चिंग के काम आ जाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। तो इसमें हम एक मग ये लेंगे और इसमें 3 मग जो है वो पानी डाल देंगे। बस ये हर तरह के प्लांट के लिए बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार
हो गया है, चाहे आप वेजिटेबल प्लांट में डालिए, चाहे आप फ्रूटिंग प्लांट में डालिए, या फिर फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इस फर्टिलाइज़र का, और थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही एक फ़ायदा है। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। इसे तैयार किए अभी 2 ही दिन हुए हैं, इसको भी छान कर देख लेते हैं। ये देखिए, इसका भी कलर चेंज हो गया है पानी का, आप देख सकते हैं। तो इसे आप छोटे प्लांट में डाल सकते हैं, इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप डायरेक्ट ही अपने पौध में, डेकोरेटिव प्लांट में, इंडोर प्लांट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन छिलकों से आप बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। केवल मटर के छिलकों का भी कंपोस्ट बना सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार करते हैं उसी में इनको डाल दें तो अधिक अच्छा है। कंपोस्ट तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, पर लिक्विड फर्टिलाइज़र जल्दी तैयार हो जाता है। इन छिलकों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटाश, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और बहुत सारे विटामिन, मिनरल, सब कुछ होता है। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर तैयार कीजिए। इन छिलकों को आप सुखा कर गर्मियों में अपने प्लांट की मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो है ना कितने कमाल के ये छिलके। तो अब आप इन्हें बिल्कुल मत फेंकिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।